नमस्कार, नीला की किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपको इमली की चटनी बनाना बताएंगे। इमली की चटनी फटाफट 10 मिनट में बन जाएगी। इसमें ना इमली वेस्ट होगी और ना इमली को भिगोने की ज़रूरत है। इसको हम पहले पानी से धो लेते हैं। ये करीब करीब 150-200 ग्राम के बीच में है। इमली साफ करी हुई है। इमली धो के मैंने मिक्सर में डाल दी है। इमली की चटनी में हम काला नमक डालेंगे 1 स्पून चम्मच। 1 चम्मच सौंठ का लिया है। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिए। और 1 चम्मच मैंने पिसा हुआ जीरा लिया है। थोड़ा सा मैंने धनिया लिया है धो के, पुदीना लिया है धो के ताज़ा। 7-8 मैंने हरी मिर्ची लिए। यदि आपके पास ताज़ा पुदीना ना हो तो आप सूखा पुदीना भी डाल सकते हैं। और ये 1 कटोरा मैंने शक्कर का लिया है। और खट्टी मीठी आप अपने स्वाद अनुसार शक्कर बढ़ा और घटा सकते हैं। ये हमारी इमली मिक्सर में है। ये 1 चम्मच मैंने काला नमक डाला है। 1 चम्मच मैंने पिसा हुआ जीरा डाला है। सादा नमक डाला है, ये अपने स्वाद अनुसार डालें। 1 चम्मच मैंने सौंठ का डाला है। ये पुदीना डाला है, हरा धनिया डाला है, हरी मिर्ची डाली है। शक्कर मैं अभी आधी डालूंगी, आधी दूसरी बार चलाऊंगी तब डालूंगी। ये मैंने पानी डाला है, अब मैं मिक्सर चलाऊंगी। पानी आप थोड़ा थोड़ा करके डालें, क्योंकि हम इसको 2 बार चलाएंगे, 2-3 बार हमारी इमली बिल्कुल वेस्ट नहीं होगी। ये सब चीज़ें मैंने मिक्सी में डाल दी है, अब मैं मिक्सी चला रही हूँ। मिक्सी में इसको पीस दिया है, अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा डाल के छानती जाऊंगी। ये छलनी ली है मैंने, इसमें छानूंगी। ये मैं देखिए, ये मैं इसको छान रही हूँ। हाथ से छानने से ये क्या फटाफट छन जाती है। ये इमली मैंने जो छानी थी वो गुद्दा वापस मैंने मिक्सर में डाला है। ये बची हुई जो शक्कर थी आधी वो मैंने इसमें डाली है। थोड़ा सा पानी और डालेंगे, इसको 1 बार और चलाएंगे ताकि क्या इमली सारी साफ हो जाए अच्छी। ये हमने इमली का गुद्दा जो छान के निकाला था वो वापस मिक्सर में डाल के चलाया है। इसमें वो बची हुई शक्कर थी वो भी डाली है। अब मैं इसको वापस छानूंगी। ये 2 बार हमने मिक्सी में छान कर गुद्दा निकाल लिया था। ये अब इतना सा गुद्दा बचा है, इसको 1 बार मैं वापस मिक्सी में डालूंगी। थोड़ा सा पानी डाल के 1 बार वापस चला दूंगी। पानी थोड़ा थोड़ा ही डालना है। ये बचा हुआ जो गुद्दा था ये 3री बार मैंने पीसा है, अब मैं इसको छान रही हूँ। ये देखिए हमारी इमली की चटनी में सारा हमने छान लिया है 3 बार पीस के। ये हमारा अब इतना सा गुद्दा बचा है, इसको अब हम फेंक देंगे। ये देखिए हमारी इमली की चटनी बन के तैयार है। कैसी गाढ़ी गाढ़ी अच्छी बनी है चटनी। आप इसको थोड़ी सी जितनी आप खाना चाहें उतनी आप फ्रिज में रख दें, बाकी ज़्यादा है ये इमली की चटनी आप इसको फ्रीजर में रख दें, और जब खाएं तब इसको 15-20 मिनट पहले निकाल लें ताकि क्या ये खराब नहीं होगी। महीने पड़ी रहेगी तब भी फ्रीजर में खराब नहीं होगी। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।